सर क्या मामला है? प्रयागराज डीडीयू डाउन मेन लाइन में एक गुड्स ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया है। इसमें 8 वैगन्स डिरेल हुए हैं, 5 कुछ ज़्यादा डिरेल्ड हैं और 3 रिरेल हो सकते हैं। और अभी जो है सो डाउन मेन लाइन बाधित है, लेकिन ट्रैफिक को हम लोग डाइवर्ट किए हैं वाया लखनऊ डिवीजन। तो गाड़ियाँ प्रयागराज से जो चल रही हैं वो व्यासनगर आएंगी, व्यासनगर से फिर रिवर्सल होकर डीडीयू पहुंच रहे हैं। 10 कोचिंग ट्रेन्स का डाइवर्जन अभी तक किया गया है और संभवतः डाउन मेन लाइन को हम लोग अराउंड 16 बजे तक रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रीजन समझ में आ रहा है इस एक्सीडेंट का? ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक बार अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा, फिर जो भी रीजन होगा वो आपको शेयर कर लेंगे। सर ये मेन रूट है हावड़ा नई दिल्ली, मेन रूट है, इस पर जो डिरेलमेंट हुआ तो कितना दिक्कत होगा इससे? हमारे पास एक अल्टरनेट रूट है, तो थ्रूपुट वैसा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग ट्रैफिक नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। ट्रैक क्या है? ट्रैक लगभग 70 मीटर ट्रैक वो डिरेलमेंट की वजह से ये हो गया, उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। सर ये जानना चाहेंगे कि अभी तक सर्दी शुरू हो गई है, तो क्या ये रेल सेक्शन हो सकता है क्या? किस तरह जांच चल रही है? इस बारे में कुछ कहा नहीं आ सकता है, ये जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ पुष्टि के साथ आ सकता है। सर सवाल ये है, ये ट्रेन कहाँ से होगी, मालगाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या लदा है, ये पूरी बात बताएं। ये एक कंटेनर रेक है जो राजकोट से चली थी और सियालदह डिवीजन में काशीपुर एक जगह है, वहाँ जानी थी। क्या लदा हुआ है इसमें? एक्यूरेटली हम नहीं कह सकते हैं क्या लदा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइल्स भी हैं इसमें।